These guys sun bath ले रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है मेरा पुश डे जहाँ पे हम अपने चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स को कवर करेंगे। मुझे किसी ने सवाल पूछा है अभी कि आप रियर डेल्ट को क्यों नहीं हिट करते हो। करता हूँ ना, वो जो वाइड ग्रिप रोज मैं करता हूँ ऑन पुल डे, उसमें मेरे रियर डेल्ट ट्रेन हो रहे हैं। जब लोग नया नया जिम चालू करते हैं तो इनिशियली अपना कैलोरी इनटेक, एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो भाई ने पूछा है, कैलोरी इनटेक कैलकुलेट करते हैं। क्या ऐसा करना जरूरी है सबके केस में? नहीं भी और हाँ भी। अगर आप बहुत ज्यादा अनफिट हैं, बहुत ज्यादा अनहेल्दी हैं, थोड़ा सा खाते हैं और इस तरीके से आपका वजन बढ़ जाता है, बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ, थोड़ा सा खाते हो और ऐसे वजन बढ़ जाता है, तो आपको कैलकुलेट करना चाहिए। बहुत सारा खा रहे हो पर तब भी आपका वजन जरा सा भी नहीं बढ़ रहा है, तो भी आप दिन भर की कैलोरी कितनी खा रहे हो कैलकुलेट। लेकिन अगर आप ऐसे हो कि आपको पता है अपने फूड के बारे में, हाँ मैं इतना खाऊंगा तो मैं गेन करने लगूंगा, इतना खाऊंगा, मतलब थोड़ा बहुत फिटनेस का नॉलेज है, तो ऑलरेडी आपको पता है आपकी प्लेट में कितनी क्वांटिटी में प्रोटीन, कार्ब, फैट है। सबके केस में जरूरी नहीं है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है फूड सिलेक्शन, जो आप अपने मुंह में डाल रहे हो। आजकल लोग कैलोरी फुलफिल करने के नाम पे कुछ भी खा ले रहे हैं, बहुत गलत अप्रोच है, बहुत रॉन्ग अप्रोच है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक भाई कह रहा है आप कौन से कंपनी के हनी और ओट्स खाते हो? तो भाई मैं हनी खाता हूँ रोजियर फूड का, और ओट्स मैं खाता हूँ शायद, यार ओट्स का पता नहीं, पर वो रोल्ड ओट्स रहते हैं, किसी भी कंपनी के आप रोल्ड ओट्स खरीद सकते हो। और ओट्स में ऐसा नहीं है कि रोज खा रहा हूँ, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाइट राइस प्रेफर करता हूँ। ओट्स में हफ्ते में दो बार खाता हूँ बस, दो या तीन बार, या फिर कभी ओवरनाइट ओट्स खाता हूँ, जो कि अगले दिन मॉर्निंग में मैं रात भर भिगा देता हूँ, पर अगले दिन, अभी जैसे आज मैंने ओट्स खाए हैं, रात में मैंने भिगा के रखे थे और आज सुबह खा के मैं वॉक पे आ गया, जो मेरी पहली मील। समीर भाई बोल रहे हैं भैया कभी फ्री वेट से लैटरल रेस भी मार लो। मैं मार तो लूं, लेकिन उसका कोई ऐसा बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं है, और हमको सच में बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है जब हम लैटरल रेस केबल से या फिर मशीन पे करते हैं। तो अभी एक भाई बोल रहा है मैं सिर्फ स्क्वाट, रोमेनियन डेडलिफ्ट एंड काफ रेजेस करता हूँ इन ऑर्डर टू ट्रेन माय लोअर बॉडी। परफेक्ट भाई, यू आर ऑल सॉर्टेड, सब कुछ सही है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। आपके हैमस्ट्रिंग्स, आपसे आपके ग्लूट्स, आपके क्वाड्स, आपके काफ ट्रेन हो रहे हैं। एक और ऐड कर लो, बहुत सी एक्सरसाइज बताऊंगा, दैट इज केबल टो रेजेस फॉर योर टिबियालिस एंटीरियर, काफ के उस साइड वाला मसल, मतलब फ्रंट शिन वाला मसल। इसको देखो, आपका है भैया ये? फिर आपके दोस्त का, कौन सी ब्रीड है ये? है चाओ चाओ। वाह यार, काटेगा तो नहीं? ऐसे कर ले, ये काट लेगा। वाह रे बाप, तो शेर जैसा लग रहा है। हाँ मेरे को लग ही रहा है काट लेगा, भाई खुश नहीं है मुझसे। ये चाओ चाओ ब्रीड थी, भाई शर्मा रहा था इसलिए बोल दिया कि दोस्त क्या, वो उसके मालिक का कुत्ता था। मैंने बोला आप इसको बचा रहे हो दूसरे कुत्तों से या ये आपको बचा रहा है दूसरे कुत्तों से? कुत्ते को घेर लिए थे सारे जो रोड पे घूमने वाले हैं, रोड पे घूमने वाले कुत्ते उज्जड़ होते हैं, चीर फाड़ देते हैं। हाय यूट्यूब, जिम आ गए हैं फाइनली, एंड चेस्ट डे, इट इज चेस्ट डे। एरियाज जहाँ पे मैं लैक करता हूँ वो है मेरा स्पेशली अपर चेस्ट, और मैं आप लोगों को भी यही बोलूंगा कि फोकस मोर ऑन योर अपर चेस्ट, फोकस मोर ऑन फ्लैट प्रेसिंग मूवमेंट, लाइक फ्लैट डंबल प्रेस या फिर फ्लैट बारबेल प्रेस, फ्लैट मशीन प्रेस, इसी में आपका जो लोअर चेस्ट है वो ट्रेन हो जाता है। बट डू इंक्लाइन प्रेसिंग मूवमेंट मोर फ्रिक्वेंटली, आप अपने अपर चेस्ट पे ज्यादा ध्यान दो, अदरवाइज ये एरिया खाली खाली दिखेगा। ये गलती मैंने करी शुरू में, बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो मैं धीरे धीरे ओवर द पीरियड कवर करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ फ्लैट बेंच ही करता था। जब आप इंक्लाइन कर देते हो ना हल्का सा, लाइक 30 डिग्री, 25 डिग्री, तो आपके अपर पेक फाइबर ज्यादा बायस होते हैं, आपके अपर पेक फाइबर ज्यादा हिट होते हैं, इसलिए इंक्लाइन मूवमेंट ज्यादा फ्रिक्वेंटली करो। जो आपके खूबसूरती है ना चेस्ट मसल की, वो इसी से दिखती है कि आपके अपर चेस्ट कितने। ये वाला पार्ट तो आपका ऑलरेडी यहाँ पे मास रहता है, यहाँ पे मास बिल्ड करना इज लिटिल टफ, इसलिए मैं फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो आज वर्कआउट चालू करने से पहले मैंने एलिप्टिकल किया 3 से 4 मिनट, क्योंकि थोड़ा स्लीपी सा लग रहा है। शुरू से मेरी आदत पता है सुबह वर्कआउट करने की रही है, सुबह 6 बजे आके जिम में एक्सरसाइज करना, वही पुराना वाला रूटीन जो ओल्ड स्कूल रहता था, आपके पापा हमारे पापा किया करते थे, सुबह उठ के रनिंग, बॉडी वेट एक्सरसाइज, वैसा सा। फिर मुझे रूटीन बदलना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस एनवायरमेंट हमारे आसपास जो है सोशल मीडिया वाला, क्योंकि मेरे पास लोग हैं और जिनको मुझे मोटिवेट करना है, और सुबह उठ के वीडियो बनाना यहाँ जिम में आके पॉसिबल हो नहीं पाता है, क्योंकि ये सब चीजें नहीं हो पाती हैं। अभी आपको म्यूजिक हल्का हल्का लाइट सा
सुनाई दे रहा होगा बैकग्राउंड में, सुबह के समय यही बहुत लाउड रहता है तो वो पॉसिबल हो नहीं पाता है, इसलिए मैंने नून का समय मैंने शिफ्ट कर लिया। दैट्स व्हाई अब ये दोपहर का समय रहता है जो यहाँ पे मेरा सोने का टाइम हो जाता है, पहले होता था और वही आदत में है। सुबह वर्कआउट करके मैं खाना खा के दोपहर में 1-1.5 घंटे की नैप लेता था, तो वो आदत में रूटीन में तो बॉडी इसे पिंच करती है बार बार कि भाई सोने का टाइम है। तो फिर मैंने आज थोड़ी देर एलिप्टिकल कर लिया तो वो सही हो गया। तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट अपर पैक फाइबर। आज पुश डे है, हम अपनी चालू भी इंक्लाइन बेंच प्रेस से ही कर रहे हैं जो कि दिखा भाई जो कि रहेगी 45 डिग्री इंक्लाइन प्रेस मशीन से। आज मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं है कि मैं डंबल से करूं। इसके हम 3 सेट लेंगे पर शुरू में 2 वार्म अप सेट लेंगे। हो चुका है वार्म अप वहाँ एलिप्टिकल पे बट स्टिल मैं वार्म अप सेट लूंगा ताकि मेरे जॉइंट्स को और मेरे मसल्स को ये पता चल जाए कि यस लोड आने वाला है। अब ये था मेरा मेन सेट पार्ट 1। इसके बाद पार्ट 2 और फिर हम यहाँ पे मशीन बदलेंगे। फ्लैट बेंच प्रेस पे अपने पैक फाइबर को ट्रेन करेंगे, उसके बाद जंप करेंगे शोल्डर प्रेस को। इसी मशीन है तो मशीन वेट पे लेंगे या तो डंबल से लेंगे या फिर इसी पे करेंगे, पर करेंगे लैटरल डेल्ट भी आ जाए लैटरल रेजेस के साथ। एक अच्छा खासा पंप आपको दिखाऊंगा आज, पर इसमें भी लास्ट टाइम जो वेट लिफ्ट किया था उससे ज्यादा लिफ्ट करना है तो ही आएगा पंप, देखते हैं। सिक्स हैवी सिक्स रेप आ जाए, बस आ जाए। गाने की आवाज बढ़ाओ, चलो छोड़ो रहन दो। मिजरेबल लाइफ, कोई बात नहीं एक सेट और लेंगे। लेट्स सी अक्षय कितने लेता है। चल 1, 2, 3, 4, 5, 6 चल 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 7 एक और आएगी। बहुत बढ़िया भाई, पिछली बार जिसमें 6 रेप नहीं आ पाए थे उसमें 2.5 किलो का इंक्रीमेंट नहीं 2.5 किलो डिक्रीज किया है और देखते हैं 6 रेप आती है कि नहीं। लेकिन जो पिछला सेट था वो भी एकदम सक्सेसफुली डन था। क्यों कह रहा हूँ ऐसा, 4 से 6 रेप रेंज में मुझे ट्रेन करना था, 5 आ गए थे आराम से, 6th में फेलियर आ गया। तो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप हाइपरट्रॉफी के लिए ट्रेन कर रहे हो पहला सेट आपने लिया 12-15 रेप के साथ, दूसरे सेट में आपने हैवी ले लिया जो जिसमें लाइक 80% ऑफ योर 1 RM ये हैवी होता है, और उसमें आपके मान लो 5 रेप आए जैसा अभी हुआ मेरे साथ और 6 रेप आप आधा किया और फेलियर आ गया, ये भी फुल फेलियर तक ट्रेनिंग मानी जाएगी और इसमें भी हाइपरट्रॉफी अचीव होगी। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले सेट में आपने 15 रेप ले ली हैं जहाँ पे आपके मसल्स को इनफ स्टिमुलस मिल गया है, दूसरे सेट में आपने पूरा फेलियर कर दिया 6 रेप में। तो यहाँ पे सिचुएशन देख के समझना पड़ेगा कि कुछ लोग बोलेंगे 6 रेप में कैसे हाइपरट्रॉफी, लेकिन उन कुछ लोगों को ये नहीं पता है कि 1 सेट पहले हम अच्छा खासा स्टिमुलस दे चुके हैं, इसलिए जो हैवी सेट था उसमें 6 रेप में ही फेलियर आ गया। तो ये एक सिचुएशन है, अब ऐसी अलग अलग सिचुएशन भी बन सकती है। मान लो पहला ही सेट आपने 1 रेप आपका 80% ऑफ 1 RM आपने ले लिया पहला ही सेट और उसमें 8 रेप आ गई, और दूसरे ये एक और सिचुएशन बता रहा हूँ, दूसरे सेट में आपने मान लो 90% ऑफ 1 RM ले लिया और उसमें 3 रेप में ही आपका फेलियर आ गया, तो ये भी क्योंकि फेलियर तक हमने ट्रेन किया ये भी हाइपरट्रॉफी है। हाइपरट्रॉफी के लिए आप ट्रेन कर रहे हो इसमें भी हाइपरट्रॉफी आएगी। तो इट इज नॉट अबाउट रेप्स कितने रेप करना है, इट इज अबाउट फेलियर के कितने पास आप जा रहे हो। Ugh.
ये जो बार पॉज हो जाती है ना, काफी डरावनी सी कंडीशन रहती है। दिमाग बोलता और पुश करो और पुश करो, नहीं दिल बोलता और पुश करो, दिमाग बोलता भाई ये ईगो नहीं आना चाहिए, कुछ स्लिप ना हो जाए। थोड़ी सी इनस्टेबल लग रही है बेंच, तो मशीन पे ना लेके हम इसको ले रहे। भैया पीछे से निकल जाओ, तो एक सेट ले लूं, एक मिनट नहीं इधर मैं डंबल भी गिराऊंगा आपको ना लग जाए। तो मशीन पे ना लेके डंबल से कर रहे हैं। तो ये डंबल से करने का फायदा ये है, आपके इम्बेलेंसेस या तो कभी नहीं आते हैं शुरू से ट्रेन कर रहे हो, मतलब हफ्ते भर में एक आध सेशन डंबल से, और होते हैं तो वो फिक्स हो जाते हैं। देखना डंबल फेंकू तो बचना। जब आप हो ऐसी सिचुएशन में कि आप डंबल रैक कर सकते हो उठ के, तो डू दैट, मत फेंको फिर उस केस में। लेकिन मसल फटीग है सो रहे, तो फिर आप पटक सकते हो। अपा फिर मिलांगे, पीछे आ जाना ब्रो, एक मिनट रुक। जय भाई, चलो हिलाया तो 40 का ओवर द पीरियड बढ़ जाएगी रेंज भी। तो रेफरेंसी 4 से 6 और 8 से 15, आई डिड 11 या 12, आई गेस 12, मजा आ रहा है। लास्ट सेट इसके बाद फिर हम कवर करेंगे एसेसरी मूवमेंट्स। अब थोड़ा सा हेवी लेंगे, 6 रेप आए जिसमें इजी रेप 6, इसलिए कहता हूँ तेरे को लिख लिया कर, ऐसे कर रहा है। तेरे को मालूम ही नहीं कितनी मारी थी तूने लास्ट में, मेरे को याद है क्या होता है, लिखा कर भाई, मेरे को नहीं, मेरे को तो लग रहा है 5 बढ़ानी चाहिए। हाँ सीधे 25 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम तूने मारा था इससे, इस सेम वेट से 6 रेप आई थी, ये 2.5 किलो जो बढ़ा है। चल कोई नहीं, मारना 6 रेप आनी चाहिए वापस। इधर मेरे को ना कुछ झटका आ गया है, मैं हूँ इधर ही। चल 1 2 3 4, दो और आएगी, चल लास्ट। Not up to the mark, but सही है। वैसे तो 4 से 6 है, 4 से 6 रेप रेंज में अभी ये सेट लेना है, पर अगर नहीं आती है तो आप लोगों से मत बोलना ये आई नहीं, 4 से 6, 4 तो आई जाएगी, 6 नहीं आई तो लेट्स सी। काफी खुशी है मुझे कि हो गया, नेक्स्ट टाइम इसी में शायद 2.5 kg का इंक्रीमेंट करके 3 या 4 रेप भी आ जाए, तो आई विल क्लैप फॉर माय सेल्फ। आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं, जो लोग फॉलो कर रहे हैं, जो लोग सच में
एक्सरसाइज कर रहे हैं, दो टाइम का वर्कआउट कर रहे हैं। ईमानदारी से बताओ, फोकट की भसड़ों से बाहर निकल गए होगे। अगर चार पांच लोग भी कर रहे हैं तो मुझसे मोटिवेट होगे, नहीं कर रहे हो तो करना चालू करो। मेरी उन चुनिंदा पसंदीदा एक्सरसाइजेस में से एक है जो पेक की ग्रोथ में काफी हेल्प करती है, और ये अभी अभी हुई है। डंबल फ्लाई की जगह इवन मैं अपने क्लाइंट्स को भी जब भी बोलता हूँ, जब भी कुछ देता हूँ, तो मशीन फ्लाई रहती है बिकॉज ऑफ दिस बेटर रेजिस्टेंस प्रोफाइल। डंबल फ्लाई में भी रेजिस्टेंस आता है, लेकिन इसकी थोड़ी सी बेटर है, इसमें रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। इस पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ। और बॉडी बिल्डिंग में ना, अगर आपको 0.5% का भी हाइक मिल रहा है एक मूवमेंट बदल के, एक फूड आइटम को कट डाउन करके मील से, या फिर एक छोटा सा लाइफस्टाइल चेंज करके, डू दैट। ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा बदलाव लाती हैं। अभी देखो अक्षय, ये दिखा, ये है ना, ये मेरे को अपराइट रहने में मदद करता है। मैं यहाँ आ रहा हूँ, मैं इतना छोटा नहीं हूँ, मैं इतना पिद्दा नहीं हूँ, 5'8" है मेरी हाइट। आप सोचो कि बहुत छोटा है यार तू मशीन के हिसाब से, तो 5'8" भी खैर कोई बहुत ज्यादा हाइटेड लोगों की कैटेगरी नहीं, बट स्टिल ठीक है। मेरे को मसल बिल्डिंग में काफी बेनिफिट मिलता है इस हाइट पर, तो बेसिकली ये मुझे अपराइट रहने में मदद करता है। अपराइट चेस्ट अप, ब्रीद इन, अपराइट रहते हो ना तो ज्यादा बेटर पेक एंगेजमेंट आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे ऐसे कर रहे हो तो आपका पेक उतना फोर्स जनरेट नहीं कर पाता है, मैकेनिकल डिसएडवांटेज हो जाता है। यहाँ पे रहोगे, वेट भले ही कम रहे, ये आप मैकेनिकल एडवांटेज में हो। बेंच प्रेस में भी यही होता है। भाई अगले, पता है कुछ दिन में लेग प्रेस आने वाली है वापस से, रूटीन में वापस। इसको हटाओ, लेट्स अनकवर द पंप, द रियल पंप जो हमने अभी तक बिल्ड किया। काफी दिन बाद आ रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो इस नेचुरल पुशिंग जो हमारी जर्नी है का पार्ट है, सबसे सही पार्ट, खुद को देखना, खुद को बदलते देखना। मजा आता है, आप लोगों को भी आता है कि नहीं मेरे को बताना कमेंट में। थोड़ा बहुत भी जो पंप आता है, मजे देता है कि नहीं। अनफिल्टर्ड मेरे को ना, ये देखो यहाँ प्रॉब्लम है थोड़ी सी, ये फैट है, ये फैट है। आप हमेशा 100% लीन जर्नी में लीन मसल मास पुट ऑन नहीं करते हो, यू गेन फैट, ठीक है। आप एक हद तक बचा सकते हो खुद को कि भाई हाँ फैट ना बढ़े क्लीन खा के, लेकिन थोड़ा बहुत फैट तो आता है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा है, बाकी मसल भी अच्छे बिल्ड होते हैं, समझ रहे हो। नाइस। एक वीडियो देखी थी मैंने, यहाँ पे वो बंदा यहाँ चाय का कप रख लेता, उसके जो पैक है वो इतने बड़े रहते हैं। यहाँ ग्लास कप या फिर बॉटल रखी थी उसने, मुझे ध्यान नहीं है। वो करना है यार, क्या नेचुरली इतने बड़े मसल्स पॉसिबल हैं बनाना, देखते हैं। लेट्स कीप पुशिंग, आगे की एक्सरसाइज करने चलते हैं, बहुत देर हो गई। कोई बहुत सुपर ह्यूमन शिट टाइप शिट नहीं हुई अभी, बहुत नीचे मानता हूँ खुद को मैं, बहुत अभी भी कोई बड़े लेवल पे नहीं पहुँचे, लेकिन 50 दिन हमारे हो चुके हैं ऑफ कंसिस्टेंसी, और ये है आपके सामने शरीर। चलो ज़्यादा हो रहा है आई नो, लेकिन मेहनत से अचीव की गई चीज़ें हैं तो उसको थोड़ा सा फ्लेक्स करने में मज़ा आता है, थोड़ा सा दिखावे में मज़ा आता है, और वो दिखावा भी इंजॉय करना चाहिए क्योंकि आपने अपनी मेहनत से अर्न किया है वो, चाहे गाड़ी हो, घोड़ा हो, बॉडी हो, खुद की सेहत, जो भी आप डिज़र्व करते हो वो दिखाना। चलो मेरे को लगा लैटरल 35 कर दी वापस।
एक बार पेट डेक लास्ट सेट मैंने एक चीज नोटिस करी है कि आप अपने मसल को नोटिस क्या करिए, मैंने एक चीज नोटिस करी है बाहर धूप निकली है सूरज की वजह से। ये बायोमैकेनिकल एक्यूरेट में डेफिनेशन बता रहा हूँ, आप जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी देते हो अपने मसल्स को उसकी फोर्स जनरेटिंग कैपेसिटी उतनी बढ़ जाती है। यहाँ पे मैं पुल कर रहा हूँ 25 kg से, ट्राइसेप्स एक्सटेंशन कर रहा हूँ बेसिकली। अब मैं इसको नॉर्मल करूंगा तो नहीं होगा, यहाँ से स्टेबिलिटी थी अब हो रहा है, और नॉर्मल करूंगा तो शायद कम रेंज में कर पाऊँ, उतने अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊँ, लेकिन इस हाथ से मैंने स्टेबलाइज कर दिए अपने मसल्स, अब मैं कर रहा हूँ इजिली हो रहा है। ट्रेन हमको ट्राइसेप्स को करना है, दूसरे मसल्स को क्यों इंगेज करें? ये चीज़ हर जगह अप्लीकेबल होती है अगर आपका गोल प्योर हाइपरट्रॉफी है तो। इसको खींचा पकड़ा, ये सपोर्ट दिया, बढ़ गई कैपेसिटी, फोर्स जनरेटिंग कैपेसिटी 11, 12, 13। इसको हटा के 15 नहीं मार सकता था मैं कभी भी नहीं। 9, 10, 11, 12 थोड़ा सा ये वाला साइड वीक है तो सही है तब भी। इस हाथ से भी 6-12 मारूंगा ही जो है। पता है क्या होता है, आप मेंटली रेडी हो एकदम सही तरीके से, प्रॉपर फोकस्ड हो, अच्छे से ब्रेस किया हुआ है, स्टेबिलिटी है, आप मार लोगे, फिर वीकर साइड से भी सेम रेप्स आप निकाल सकते हो। मौत, डेल्ट्स की मौत, खत्म ये वाला सेट, 3 हो गए। सो पुशअप के 3-4 सेट टिल फेलियर, हर सेट में टोटल नंबर ऑफ रेप्स हैं 100। चालीस, 45, थोड़ा सा हाथों हाथ को झटकेंगे, ATP वापस से बनाएंगे, 10 और लेंगे।
55. अब जो बचे हुए रेप्स हैं उसको दो सेट में डिवाइड कर लेंगे. 55 लिए थे ना. हाँ 56, 7, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 80. बहुत एंड्योरेंस चाहिए. 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88. रुक के लेंगे थोड़ा सा. हाँ काटना नहीं रही. हाँ इसके तुरंत बाद फोटो लेना है. ठीक है सेटिंग कर देना. 8 रैप और. सेटिंग बदल. सो अवर वर्कआउट इज डन. किसी भाई ने पूछा था कि ये अपराइट रो मैं करता हूँ, मुझे थोड़ा सा शोल्डर में प्रॉब्लम आ गई है, अब उसको कैसे ठीक करूँ. सबसे पहले तो अपराइट रो करना बंद कर दो. ठीक है इसी पे मैंने रील या शॉर्ट जो भी बोल लो आप मैंने रिकॉर्ड किया. क्योंकि जब आप अपराइट रो करते हो ना आपका जो शोल्डर है वो इंटरनल रोटेशन में चला जाता है. टेंडन है उसमें इंपिंजमेंट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. अभी नॉर्मल लाइफ में आप अंगड़ाई लेते हो और ये अपराइट रो करते हो अंगड़ाई लेते समय तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. लेकिन जब लोड इंट्रोड्यूस करके करते हो वेट के साथ तो ये लॉन्ग रन में प्रॉब्लम बन सकता है और आपका शोल्डर खराब हो सकता है. तो ये आपके ट्रैप को कवर करती है और आपके लैटरल डेल्ट को कवर करती है. लैटरल डेल्ट के लिए लैटरल रेज ले लो. ट्रैप के लिए आप बारबेल श्रग लो. हो जाएगा काम. थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत ज्यादा होगी लेकिन के जॉइंट्स कम से कम सेफ रहेंगे. दैट्स इट फॉर टुडे. मिलते हैं आपसे कल. चल रहे भाई. मम्मी और मैं मूवी देखने जा रहे हैं हनुमान. मैं आपको रिव्यू देता हूँ देख के कि ये कैसी है. मेरे को तो बहुत अच्छे अच्छे रिव्यू ही आ रहे हैं कि भाई बहुत अच्छी है, फाड़ है एकदम. IMDb पर रेटिंग भी अच्छी है. लोग अब ऑब्वियसली यार हनुमान अच्छी तो होगी पर मेरे को देखना है कि किस तरीके से दिखाया गया है. यही उम्मीद है. आदि पुरुष के समय भी हम लेके गए थे लेकिन हमको आदि पुरुष नहीं पसंद आई और उसमें जो हनुमान जिस तरीके से दिखाए गए हैं वो भी हमको पसंद नहीं आया. जिस तरीके से डायलॉग्स बुलवाए गए हैं वो भी पसंद नहीं आया. इस बार देखो उम्मीद ज़्यादा है इस मूवी से. मैं आपको रिव्यू देता हूँ जल्दी. क्या क्रीम कहना कोई फांसी लग जाएगी क्या? क्रीम बोल दो तुम लोगों को. हाँ ये बस ऐसे ही बना रहा हूँ वीडियो क्योंकि ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था. आप लोग भी देख लो. कुछ बताना नहीं था बस बढ़िया सा लग रहा था तो मैंने बना दिया वीडियो. भैया हम खुद पार्क करें आप कर दोगे है? ये पार्क आप कर दोगे या हम खुद पार्क करें? हम करेंगे. लो तो गाड़ी यहीं आना पड़ेगा. हाँ यहीं आएंगे ना. मेरे को लगा उस गेट पे आना है. उस गेट पे तो नहीं आना रहेगा ना. चलो ठीक है. ऑनलाइन अभी देना है? अब पे कर दो. कितने? फिनिक्स नाम से एक मॉल पुणे में भी है. फिनिक्स मार्केट सिटी पुणे. मार्केट सिटी ऐसे कुछ नाम है. अरे वो इससे भी बड़ा है. इससे दो गुना बड़ा है. उसमें तो मैं घूम गया था. ये जिस हिसाब से हाइप क्रिएट करी गई थी उतना बड़ा नहीं है. दिस इज फिनिक्स सिटाडेल. नाम अच्छा है लेकिन मॉल ऐसे. इतनी तेज चलती है मम्मी. बस आ गए. आ गए. इतनी स्पीड में चल रही हैं जैसे कार्डियो करने आई हैं. अभी है समय आराम से चलो. अरे आ गए. चलो स्क्रीन नंबर 7 है इंसिग्निया में. क्या पियोगी आज मम्मी? क्या खाओगी? हैं कॉफी और पॉपकॉर्न खाएंगी. जिंजर गार्लिक नहीं गार्लिक टोस्ट. अभी चालू नहीं हुई है शायद. हाँ हुआ. मम्मी भी ब्लॉगिंग कर रही है अपने फ़ोन में. ब्लॉगिंग की ब्लॉगिंग हो रही है. कैसी लगी मम्मी पिक्चर? इधर देखो मेरे साथ फोटो तो आने दे. अच्छा खींचो. अरे तू भी ले रहा है. पिक्चर बहुत अच्छी थी. मज़ा आ गया भाई मज़ा आ गया. आदिपुरुष से बहुत अच्छा था. बॉलीवुड वालों को नहीं बनाना चाहिए मूवी ये. टॉलीवुड कॉलीवुड वाले बहुत सही बनाते. बैठो. हाँ बैठो ना भैया. चाबी लेके उतर अंदर ही है. भाई साहब इटवा लगाओ. तेज लगा इधर उतार था. सो इट इज 10:56 11 बजने वाले हैं. अभी जाके सारे क्लाइंट्स का काम खत्म हुआ है. थोड़ा सा बाहर चले गए थे तो उसको बैलेंस करने के लिए थोड़ी देर तक ज़्यादा जगना पड़ा. बट स्टिल ये एक जर्नी का किसी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का पार्ट है. आप सिर्फ और सिर्फ
YouTube पे वीडियो डाल के आज के समय में जो कंपटीशन है वहां पे आपको दूसरी चीजें भी करते रहना पड़ेगा। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप आज के समय में YouTube पे लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट डाल रहे हो और सिर्फ ये सोच के आ रहे हो कि YouTube से ही अब जब अर्निंग आएगी आएगी, बाकी तो मैं सिर्फ नल्ला बैठा रहूँगा, यूट्यूब वीडियो ही बनाऊंगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए दूसरा, इन ऑर्डर टू सर्वाइव हियर। चलता है तो भी ठीक है, नहीं चलता है तो भी ठीक है। ये वो चीज़ है जहाँ पे आपको आंख बंद करके मेहनत करनी है बिना किसी उम्मीद के। तो बस ये उन लोगों के लिए मैसेज था, ये फिटनेस से रिलेटेड मैसेज नहीं है, ये उन लोगों के लिए मैसेज था, या फिर फिटनेस वाले भी हो सकते हैं जो अभी चालू कर रहे हैं चीज़ें मेरे जैसे, जैसे मैं अब जाके लॉन्ग फॉर्मेट में आया हूँ। तो बस आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए या दो या तीन चीज़ जहाँ से आपका पैसा आ रहा है। लॉन्ग रन में ये चीज़ ज़्यादा सस्टेनेबल है, अदरवाइज आपको लोग नहीं आपके ही घर वाले इस निगाहों से देखेंगे कि क्या है दिन भर करता रहता है, इससे कुछ पैसे तो आते नहीं, इससे बढ़िया कुछ काम ही कर ले। वो गलत नहीं है, कंपटीशन आज के समय में बहुत पड़ गया है, आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सोचना पड़ेगा इस चीज़ को लेके। बस यही एक छोटा सा मैसेज था, लोगों को देख के उनकी लाइफ को देख के आप यूट्यूब पे जंप मत करो, लोगों को देखो उनकी लाइफ को देखो, उससे मोटिवेट हो, लेकिन प्रैक्टिकली भी थोड़ा सा सोचो। तो मैं वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। चलो मिलते हैं कल, बाय बाय, धन्यवाद।